उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ परिभाषाओं के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले टर्म आती है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? किसी भी जीव में उपस्थित उसके पूरे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक संगठन को हम उसका जीनोटाइप कहते हैं। दूसरी टर्म है फिनोटाइप। फिनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ऑब्जर्व, जो हमें बाहर लक्षण दिख रहा है, उसे हम उसका फिनोटाइप कहते हैं। जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है, जो दिखने वाले लक्षण है, उसे हम उसका फिनोटाइप कहते हैं, जो कि जीनोटाइप पर आधारित होता है। फिर तीसरी टर्म है वाइल्ड टाइप। किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म या जीव जो सामान्यतः जिन फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक को प्रदर्शित करता है, वो उसका वाइल्ड टाइप, वो उस स्पीशीज का वाइल्ड टाइप कहलाता है। फिर नेक्स्ट है म्यूटेंट। म्यूटेंट जो है, जब कोई ऑर्गेनिज्म में जो उसके यूजुअल या सामान्यतः जो दिखने वाले लक्षण है उनमें परिवर्तन आ जाता है किसी कारण से, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के कारण, तो फिर हम उसे उसका म्यूटेंट टाइप कहते हैं। अब हम आते हैं म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन जो है किसी भी वंशानुगत और दिखने वाले परिवर्तन को, जेनेटिक मटेरियल में किसी भी तरह के वंशानुगत और दिखने वाले परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं, यदि वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण नहीं हुआ हो। और दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के बाद म्यूटाजन की अनुपस्थिति में हुआ हो। और तीसरा ये है कि जो भी परिवर्तन हुआ है वो बहुत ही दुर्लभ होना चाहिए, अज्ञात होना चाहिए और असामान्य होना चाहिए, तभी हम उस परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अब हम देखेंगे उत्परिवर्तन जो है विभिन्न स्तरों पर उत्परिवर्तन। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए सीक्वेंस के स्तर पर उत्परिवर्तन। तो बहुत सारे डीएनए सीक्वेंस के स्तर पे बहुत सारे ऑल्टरेशन या रूपांतरण होते हैं जो कि उत्परिवर्तन का कारण बनते हैं, वो इस तरह है। सबसे पहला आता है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के द्वारा। इस आधार पर दो तरह के पॉइंट म्यूटेशन संभव है, एक है ट्रांजिशन और दूसरा है ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशन जो है इसमें एक प्यूरिन बेस जो है वो दूसरे प्यूरिन बेस के द्वारा ही सब्स्टिट्यूट होता है, यानी कि एडेनाइन ग्वानिन के द्वारा होगा या ग्वानिन एडेनाइन के द्वारा सब्स्टिट्यूट होगा, या पिरिमिडिन से सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब थायमिन साइटोसिन से सब्स्टिट्यूट होगा या साइटोसिन थायमिन से सब्स्टिट्यूट होगा। जब इस तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है जिसे हम प्रतिस्थापन कहते हैं, तो इसे हम फिर ट्रांजिशन कहते हैं। चार तरह के ट्रांजिशन म्यूटेशन या उत्परिवर्तन चार प्रकार के होते हैं, एटी टू जीसी ट्रांजिशन, जीसी टू एटी ट्रांजिशन, टीए टू सीजी ट्रांजिशन एंड सीजी टू टीए ट्रांजिशन। आप यहाँ एक उदाहरण में देखेंगे, नॉर्मल जीन का पार्ट है जिसमें इस पोजीशन पे एडेनाइन है, उसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन है, लेकिन उत्परिवर्तन और ट्रांजिशन के कारण जब एडेनाइन दूसरे प्यूरिन से, मतलब कि ग्वानिन से प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उसके अपोजिट यहाँ पे नेक्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन में यहाँ साइटोसिन आ जाता है। तो इस तरह आप देख रहे हो एटी टू जीसी प्रतिस्थापन होता है। दूसरा प्रकार है पॉइंट म्यूटेशन का, वो है ट्रांसवर्सन, जिसमें एक प्यूरिन बेस जो है वो पिरिमिडिन बेस द्वारा या पिरिमिडिन बेस जो है वो प्यूरिन बेस द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तब हम इसे ट्रांसवर्सन कहते हैं। और इस आधार में चार तरह के ट्रांसवर्सन संभव होते हैं, ट्रांसवर्सन उत्परिवर्तन जो है एटी टू टीए, जीसी टू सीजी, एटी टू जीसी एंड जीसी टू टी। इधर आप यहाँ पे इस उदाहरण में देख रहे हैं कि नॉर्मल जीन में आप देख रहे हैं इस पोजीशन पे साइटोसिन है, उसके अपोजिट ग्वानिन है। साइटोसिन जो कि एक पिरिमिडिन बेस है, जब ये एक प्यूरिन बेस जैसे कि ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तो उसके अपोजिट यहाँ साइटोसिन फिर एंटर हो जाता है रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में। और इस तरह आप देख रहे हैं सीजी से जीसी ट्रांसवर्सन होता है। सामान्यतः ये देखा गया है कि जो ट्रांजिशन म्यूटेशन है, ट्रांजिशन उत्परिवर्तन है, उसके कारण जो है रासायनिक रूप से समान अमीनो अम्ल ही इनकॉर्पोरेट होते हैं, लेकिन जो ट्रांसवर्सन है उसमें ये देखा गया है कि उत्परिवर्तन के कारण जो अमीनो एसिड्स में जो चेंज आता है उनमें, उनके आवेशों में भी परिवर्तन आता है, जो ड्रास्टिक उत्परिवर्तन या तीव्र उत्परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं पॉइंट म्यूटेशन के बाद दूसरा है डीएनए सीक्वेंस के लेवल पे जो दूसरा उत्परिवर्तन होता है वो है इंसर्शन डिलीशन। जो आप नाम से ही पता चल रहा है कि
जब डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड, एक बेस पेयर या एक कुछ पार्ट डीएनए सीक्वेंस का इंसर्ट हो जाए या नॉर्मल जीन में से डिलीट हो जाए तो वो भी म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कॉज करता है। तीसरा प्रकार है इसमें इन्वर्जन, नाम है इन्वर्जन मतलब विपरीत होना। तो इसमें ये होता है कि डीएनए सीक्वेंस का एक पार्ट जो है वो कट होकर वापस जो है उसका ओरिएंटेशन चेंज होके फिर वही उसी स्थिति में जाकर ये ऐड हो जाता है, तो पूरा जो सीक्वेंस है वो इन्वर्ट हो जाता है, इसे हम इन्वर्सन कहते हैं। ये तीनों जो है टाइप हमने यहाँ इस उदाहरण में बताया कि ये नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस पार्ट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थायमिन के बाद एक एडिशनल बेस जो है ग्वानिन यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। ऑब्वियसली ये फिर आगे उत्परिवर्तन कॉज करेगा, रीडिंग फ्रेम को चेंज कर देगा। इधर फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे डिलीशन में कि थायमिन के बाद यहाँ एक और थायमिन है लेकिन उत्परिवर्तन के कारण वो डिलीट हो गया है, तो ये भी फिर उत्परिवर्तन कॉज करता है। तीसरा उदाहरण यहाँ पे आप इन्वर्जन का देख रहे हैं, जैसे कि हमने बताया था कि जब डबल हेलिक्स में से डीएनए सीक्वेंस का कुछ पार्ट यहाँ से ये पार्ट कट होके टीटीसीए कट होके वापस फिर यहाँ पे जुड़ रहा है इसी पोजीशन में, लेकिन अब की बार जो क्रम है वो विपरीत है, जो है एसीटीटी, तो इसे हम इन्वर्जन कहते हैं। इस तरह ये तीन प्रकार के उत्परिवर्तन भी डीएनए सीक्वेंस स्तर पर होते हैं।